चंद्रवर्धन की जय हो। मेरे सैनिक पिताश्री को स्मरण करके अपने प्राण त्याग रहे हैं, अब और नहीं। मैं उन्हें जीवन दूंगा, आशा दूंगा, यहाँ से बाहर निकालूंगा। दास, दास, प्रतीत होता है कि मृत्यु को इतने निकट से तुमने पहले कभी नहीं देखा, इसीलिए इतने विचलित दिखाई दे रहे हो। चिंता मत करो, थोड़ा समय जाने दो, फिर इन सब दृश्यों की आदत हो जाएगी तुम्हें। क्या आपको आदत हो गई है बलदेव राज? क्योंकि 12 वर्ष पश्चात भी मुझे आपकी आंखों में वही पीड़ा दिख रही है। सत्य कहा तुमने, पीड़ा तो हो रही है मुझे, किंतु मैं दुखी इस बात से नहीं हूँ कि मैंने अपना एक क्षत्रिय भाई खोया। मैं दुखी इस बात से हूँ कि वो ऐसी मृत्यु नहीं चाहता था। हम में से कोई भी ऐसी मृत्यु नहीं चाहता। एक योद्धा की भांति रणभूमि में अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त होना चाहते हैं हम। बालपन से ये एक ही सीख हमारी धमनियों में बह रही है, न मृत्यु से भय, न जीवन से प्रीत, विजय या वीरगति, यही है पिपलीवन की रीत, यही है पिपलीवन की रीत। न मृत्यु से भय, न जीवन से प्रीत, विजय या वीरगति, यही है पिपलीवन की रीत। मृत्यु से भय, ना जीवन से प्रीत, विजय या वीर गति, यही है पिपलीवन की रीत। पिपलीवन के क्षत्रियों, ये शब्द केवल शब्द नहीं, इनमें वो शक्ति है जो तुम्हारे भीतर छिपे मनोबल को पुनः जागृत कर सकती है। इस खान में तपते सोने ने अब तक तुम्हारे रक्त को ठंडा नहीं होने दिया है, इसलिए स्मरण करो। इस यातना को, इस अपमान को, इस शोक और दुख को, और इन्हें ईंधन बनाओ अपने प्रतिशोध की भट्टी का। कहो मेरे साथ, ना मृत्यु से भय, ना जीवन से प्रीत, विजय या वीरगति, जाइए पिपलीवन की रीत, जाइए पिपलीवन की रीत। मैं मुक्त करूंगा तुम सबको यहां से, मैं दूंगा तुम सबको आशा की किरण, ये मेरा वचन है तुम सबसे। इस खान में सड़ रहे कीड़ों के लिए यदि सबसे हानिकारक कुछ है तो वो है आशा। यदि इन्होंने आस की तो ये कल्पना करने लगेंगे कि इस यातना का, इस पीड़ा का अंत संभव है और एक उज्जवल भविष्य में विश्वास करने लगेंगे। एक ऐसा भविष्य जो वास्तविकता में है ही नहीं। हम यहां 12 वर्षों से मर रहे हैं और हम इस वास्तविकता से अनभिज्ञ हैं। हमें ज्ञात है कि हम यहां से कभी नहीं निकल पाएंगे और इस वास्तविकता को तुम जितनी शीघ्रता से सत्य मान लोगे तुम्हारे लिए उतना ही उचित होगा। और अग्निमुख की ये बात सदैव स्मरण रखना बालक, कि किसी को कभी ऐसा कोई भी वचन मत देना जिसे तुम निभा ना पाओ। अग्निमुख पीपलीवन का सबसे चपल तलवारबाज था। उसकी तलवार की धार अग्नि के समान घातक और बिजली से भी तेज थी। जितना तीव्र उसका क्रोध था, उतना ही तीव्र और प्रभावशाली उसका प्रहार भी था। प्रतीत होता है कि यहाँ के लोग भी तुम्हें कुछ अधिक पसंद नहीं कर रहे, तो चलो तुम्हें एक ऐसे स्थान पर भेजता हूँ जहां तुम निश्चिंत और एकांत में रहकर कार्य कर पाओगे। इस खान की गहराई में किंतु वहां तो बहुत अंधेरा होगा, मैं काम कैसे करूंगा? अग्निमुख, अग्नि का स्रोत दो, इसे जीवित रह पाएगा तभी स्वर्ण निकाल पाएगा।
चलो बालक। पतनराज बच्चा है वो, जाने दो उसे। कालपाखी का रुदन फिर शुरू हो गया। प्रतीत होता है खुश ध्वज के पश्चात इस बालक का अंत भी आ गया। अवश्य ही मुझे इस गुफा में भेजने के पीछे पतनराज की ही कोई योजना है। मुझे सतर्क रहना होगा।